सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। हम लोग का कैसा रहेंगे, हम लोग को ऐसा है ना, जिंदा नरक में डाल दिए। पानी की टाकी है, उसमें गटर का पानी जा रहा है, ऊपर से फेंकते हैं, वो कचरा जमा हो जाता है गटर में और हमारा पानी स्टॉप हो जाता है। तो बोला कि व्हाट्सएप को फोन करो, व्हाट्सएप फोन उठाता नहीं। हम लोग ने पहले जितेंद्र सर को भी कंप्लेन किए थे हम लोग ने, कि हम लोगों ने ये, अब जब कंप्लेन करेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए दो चार जन आएंगे, काम करेंगे, वेरी सेकेंड डे सेम थिंग। बेंचेस के लिए देते, बड़े बड़े भाषण झाड़ते कि भाई लॉलीपॉप देने में आया था 6 महीना पहले अगस्त के अंदर कि हम आपकी लाइन चेंज करा के देंगे बार बार। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के चांद नगर इलाके में, जो दौलत नगर सोसाइटी यहां पर मौजूद है। आपको दिखाएंगे कि ये 6 बिल्डिंगें यहां पर हैं सोसाइटी की, ये 6 बिल्डिंग है और नीचे देखेंगे आप साफ सफाई है, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर ये लग रहा है कि कितना साफ सफाई है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है पीछे की तरफ, उसको हम आपको दिखाएंगे कि पीछे की तरफ जितनी साफ सफाई आगे है और इस इमारतों के पीछे का जो हिस्सा है वो आपको दिखाएंगे कि कैसा वहाँ पर है, जो है उसके पीछे देखेंगे आप ये पूरा यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है। ये देखेंगे आप, कैमरा मैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि पूरा ये गंदा पानी, सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि करीब 2 से 2.5 साल से ये लोग परेशान हैं। ये पूरा जो दीवार देख रहे हैं सोसाइटी की, बाउंड्री वाल, ये इसी तरह से पूरा इसमें सोसाइटी में ये गटर का पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। पीछे बताया जा रहा है कि जो गटर का पानी जाने का जो रास्ता है, दरअसल पानी वहाँ से रिटर्न सोसाइटी में आ रहा है और यही वजह है कि जो यहाँ पर भर रहा है पानी, गंदा पानी ये है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरी जगह से लोग कचरे भी फेंकते हैं। साथ ही इन लोगों ने, जो सोसाइटी के तमाम मेंबर हैं, उनका कहना है कि इसकी शिकायत जो है वो मनपा से और स्थानीय जो जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों से कर दिया है, लेकिन सब लोग आकर सिर्फ देख कर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं कि काम हो जाएगा। यहाँ तक कि पाइप वगैरह भी लाकर रखा गया कि आप लोगों का काम करके दिया जाएगा, लेकिन काम जो है इनका हुआ नहीं। और पानी इसी तरह से, ये गंदा पानी है जो 2-3 साल से इस सोसाइटी के जो पीछे का एरिया है और साइड का जो एरिया है, देखेंगे इस साइड भी ये पूरा गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ, इसमें तमाम मच्छर वगैरह सब हैं और जिससे बीमारी भी काफ़ी फैल सकती है। और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि ये पीने का पानी का टाकी रखा गया है और ये पत्थर रखे हैं यहाँ से उस पर जाने के लिए। ये पीने का पानी का टाकी है ना, पानी जो है ना यहाँ पे आता है, ये पानी रिवर्स यहीं से आता है, यहीं से वापस जाता है। ये हमारा आउटलेट है, ये आउटलेट है आपका, ये आउटलेट है, ये हमारा नीचे हो गया पूरा रैबिट भर के। लोग ने पूरा आउटलेट की तरफ रैबिट भर के आता कहाँ से इधर से, ये पूरा स्लैब का वगैरह का इन लोग का। तो ये देखिए कचरा ही देखिए ना, जो नाला है उस नाले में रैबिट वगैरह भरा हुआ है। नहीं, पूरा भरा हुआ है, जो दूसरे तरफ से पानी आ रहा है वो नाले में जाने के बजाय आपके सोसाइटी में आ रहा है। जब रात होती है तो पानी का फ्लो थोड़ा बढ़ता है आगे, तो ये पूरा जो पानी आगे बढ़ता है तब ये पूरा फ्लो निकल जाता है पानी का आगे, ये पूरा फ्लो पानी का आगे निकल जाता है। तो ये रात में खाली होता है, वापस सुबह होती है वापस भरता है। ये तकरीबन, क्या नाम है आपका? मेरा हुसैन नाम है। हुसैन नाम, कितने दिन से बताया जा रहा है? 2-3 साल से, 3 साल से परेशान है इसके लिए हम, 3 साल हो गए, काफ़ी परेशान है इसके। ये हमारा, मेरा ये पहली खिड़की का घर है, लोग बच्चे रहते हैं, किसी को मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू कुछ हो गया काटने से, इसका जवाबदार कौन? 3 साल से परेशान है हम, लास्ट में थक हार के आपसे कॉन्टेक्ट किए। अभी और भी किसी से कॉन्टेक्ट वगैरह किए थे इसको साफ सफाई को? यूनुस भाई से करते हैं, शाहर मैडम से करते हैं, वो खाली बस एक दो कर्मचारी को भेजते हैं, थोड़ा बहुत कचरा हटाते हैं तो पानी चला जाता है। नहीं, असल बात है सोसाइटी में भर रहा है पानी, तो बाहर से पानी आ रहा है, तो आप लोग भी साफ सफाई कराना चाहिए। तकरीबन कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये हमने डाले हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस से,
सोसाइटी के मेंटेनेंस 15 से 20 हज़ार रुपये हमने डाले साफ सफाई में। पानी ये सोसाइटी का है या बाहर के गटर? बाहर का है, वो देखिए ना आप, देखिए ना उधर, देखिए ना वहाँ से पानी रिवर्स आता है, वही पानी वापस वही रास्ते से वापस जाता है। ये तमाम जो सोसाइटी देखेंगे ये इमारतें हैं, 5-5, 6-6 मंजिला की ये इमारतें हैं और इसमें लोग रहते हैं। इन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जब निर्माण हुआ और भी इमारतों का, तो जो नाला था, गटर था, उसमें जो है कुछ रैबिट वगैरह भर गया है, जिसकी वजह से पानी जो है, गटर का पानी, वो वहाँ से जहाँ इस सोसाइटी का पानी जाने का गटर का आउटपुट है, वहाँ से पानी रिटर्न इनके सोसाइटी में आके भर रहा है। इस तमाम जो महिलाएं हैं सोसाइटी की, उन लोगों ने भी क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, सोसाइटी का क्या नाम है? दौलत नगर है हमारी सोसाइटी का नाम। मेरा नाम शेरबानु सुंदरानी। क्या यहाँ पे तकलीफ क्या हो रही है? हम लोग की गटर की कीचड़ है, इतना कचरा फेंक रहे आजू बाजू वाले कि हम लोग को रहने का अभी बहुत प्रॉब्लम हो गई। हम लोग को ऐसा नहीं था, हम लोग की सोसाइटी इतनी अच्छी थी 20 साल के पहले, हम लोग की इतनी सोसाइटी अच्छी थी कि तुम लोग आएंगी अनाज डाल के खाएंगी ना, तो ऐसा अनाज चुन चुन के डाल मुँह में डाल सकते, ऐसा अभी हम लोग को निकलने का ही भारे पड़ रहा है। अभी ये गटर आजू बाजू बिल्डिंग हो गए तो आजू बाजू में किधर भी पानी जाने का ही रास्ता नहीं है, गटर सब फेंक कर दिए हम लोग का, इधर सबका गटर का पानी इधर जमा हो रहा है, हम लोग का कैसा रहेंगे? हम लोग को ऐसा है ना, जिंदा नरक में डाल दिए ऐसा। हम लोग 3 साल हो गया। अभी 1 साल 3 तो एकदम थी हमारा पानी का, पीने का पानी की टाकी है उसमें गटर का पानी जा रहा है, हम लोग कैसा पीते है? गरीब आदमी है वही बिचारा बोतल मंगा के पी रहा है, ऐसा उसको जीना रहने का मुसीबत हो गई। ये पूरे सोसाइटी में पानी भरा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ शिकायत नहीं की यहाँ के जो कंप्लेंट तो किया थे हम लोग ने, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है। किसको किसको किए? बिल्डर को, ये जो बिल्डर है ना उसका जो माल रहता है ना रैबिट, तो वो जमा हो गया सोसाइटी में, जो पानी भरा हुआ है ये सोसाइटी का पानी है? नहीं नहीं, वो बाहर का पानी, वो लोग कचरा ऊपर से फेंकते हैं तो कचरा जमा हो जाता है गटर में और हमारा पानी स्टॉप हो जाता है। ये बाहर का पानी आ रहा है, बाहर का पानी। ए बिल्डिंग हुई ना उसके बाद का प्रॉब्लम है, ए बिल्डिंग हुए उसके बाद का प्रॉब्लम है, उसके पहले कभी प्रॉब्लम नहीं था। ये इनको जब भी पुलिस चौकी कुछ बोलते तो बराबर सीधा हो जाता है, कर देते है वापस, यही हाल हमारा। उसके बाद अभी चालू जेने काम मनपा में आप लोगों ने शिकायत वगैरह की थी? इनको करते हैं साबुद्दीन मुखी भाई, उनको करते हैं शिकायत, जब कर देता है बाद में वही का वही हो जाता है। देखो तुम देखो वहाँ जाके गटर इनके वजह से लेडिस गया था, ये बिल्डिंग बना पर 20-25 लेडिस गया था, तो कहा अभी बना दो, इसका मानसो आया था, मानसो अच्छा नहीं करा चले गया। पर पीने का पानी का क्या, वार्ड साहब को कम्प्लेन करी, वार्ड साहब ने बाईडी को कम्प्लेन करी, पर वो जवाब नहीं दे। दो बिल्डिंग कचरा भी उतना फेंक रहे हैं, हफ्ता पहला जाया था उधर साहब ने मानसो तो बोला कि वार्ड साहब को फोन करो, वार्ड साहब फोन उठाता नहीं। चल आगे बोलो, कम्प्लेन कितना बार किया वागले साहब को? कम्प्लेन करी वागले साहब को? हम लोग ने सबको कम्प्लेन किए, जितने यानी कि अभी नाम तो नहीं मान रहे था कि यूनुस भाई है, आप अजीज बाटा का नाम ले रहे हैं। हम लोग ने पहले जितेंद्र सर को भी कम्प्लेन किए थे हम लोग ने, कि हम लोगों ने ये प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं। हम ये बिल्डिंग के मेंबर है B4 के, और इतनी यहाँ पे टोटल 6 बिल्डिंग है, हर एक बिल्डिंग के एक एक मेंबर है और सब लोग ने जाके कंप्लेन की है। पूरे सब तरफ से आ रहा है पानी, वो बिल्डिंग है वहाँ की लाइन टूट गई, वो दीवार के अंदर से पूरा पानी आता है, और ये बिल्डिंग जब बनी ना लास्ट में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि ये जो सारा कॉन्क्रीट अंदर गीता था स्लैब बनाते तो पूरा वो ब्लॉक हो गया, नाला पूरा ब्लॉक हो गया, इसके लिए हमारा पानी नहीं जा रहा है। अब जब कंप्लेन करेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 जन आएंगे, काम करेंगे, वेरी सेकंड है सेम थिंग, वही चीज़ हो जाती है जो प्रॉब्लम अभी हम लोग को फेस। 12 घंटा अच्छा रहता है, 12 घंटे बाद वो पानी भरा जाता है। हमने पर्सनली सोसाइटी का पैसा भी हम लोग ने बहुत डाले, ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो कि हम खाली उनको ही कंप्लेन करें, हमने हमारी तरफ से भी बहुत कोशिश करें कि भाई लाइन क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट पानी जाए तो फिर यहाँ पे सफाई रहे। लेकिन वो जब काम होता है बिल्डिंग का वही चीज हो जाती है, बिल्डिंग वाले कचरा उसमें डाल देते, समझ में नहीं आती लोगों रेते कैसे इतनी जो नाला है
जिसमें गटर का गटर है जिसमें पानी जाता है उसकी जब तक साफ सफाई नहीं होगी कितने टाइम कर रहे हैं सेम चीज होती है कि कचरा ऐसा डालते हैं आपकी ना रूह कांप जावे। कैसे मुसलमान है कि मुझे समझ में नहीं आता। गंदगी पसंद करते। अगर जन्नत में जाना है तो पहले इधर जमीन को जन्नत बनाओ ना। सब ऊपर से कचरा डाल रहे हैं, यहाँ पे गंदगी फैलाते तो वहाँ की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। अब क्या बोले, डायपर होवे, पैड होवे, हर एक गंदी चीज तुम इस तरीके से फेंक देते हैं क्या? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हाँ बोलिए, आप अपने सोसाइटी के लेटर पे यहाँ के समाज सेवक को निवेदन देना चाहिए। हम लोग ने भाई मेरे सारी कोशिश करके बैठ चुके हैं, अभी हम लोग थक हार के आप लोगों को बुलाए हैं। कुछ है आपके पास रिटर्न में जो आपने दिया है? अच्छा, हमारे पास है रिटर्न में है हमारे पास कॉपी, तो वो भी हम तुमको बाद में बताएंगे, क्योंकि जो बंदे के पास अभी दिए वो फिलहाल में यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो उनके पास है वो कॉपी, वो भी हम आपको बता सकते हैं। और कितने यहाँ पे आ जाओ, वो नहीं आ सकते हमारे बड़े हमारे न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के समाज सेवक आमदार जितेंद्र अवार्ड और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जैसा हर जगह में आप साफ सफाई के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, बेंचेस के लिए देते हैं, बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं कि भाई कैसे जिसे साफ सुथरा हर जगह में रखना चाहिए, तो कभी हमारी सोसाइटी में आके भी देखो, खाली सिर्फ गेट के पास से आते हैं, राउंड मारते हैं, निकल जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, बाद में तो कोई भी नहीं आता है। कि ये हमने सब जगह में, मैंने बोली ना आपको कि हमने थक हार के लास्ट में हम लोग आपको बुलाए। पीने की पानी की टाकी है, ये पूरा सब बाटला मंगा रहे, सब बाटला मंगा रहे, पूरा पानी हर घर में, हर पानी, हाँ पूरे घर में, ये पानी बीमारी नहीं है। क्या हो गया मालूम है अपना, है ना, नीचे हो गया वो ऊपर हो गया, तो वो फ्लो है ना पानी, सब इधर से ऐसा फ्लो हो रहा है, स्लोप हो रहा है पूरा, आउटसाइड वाला ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, हम लोग का नीचे आ गया। हम लोग के लिए पाइप लाए थे, जो ये दीवार के पीछे थी, अंदर पानी आ रहा है, दीवार के पीछे गटर है ना, वो गटर खुली है, इसकी वो कतली बिल्डिंग से, वो सब बिल्डिंग का सही इधर डाले तो पानी जाता नहीं, पानी हमारा B1 से देखो तुम, पानी बता इधर आओ, कल इतने मन B1 से देखो तुम पीछे पूरा पानी इधर आता है, तो क्या कुछ देखो, कुछ करो। खाली एक लॉलीपॉप देने में आया था 6 महीना पहले अगस्त के अंदर, कि हम आपकी लाइन चेंज करा के देंगे, बार बार गेट के बाहर लेके गए वो पाइप लाके दिए। कौन लाया था? यूनुस भाई आए थे, बाद में वो सारा बारिश हमने संभाल के रखे पाइप, जब उसको उनको लगा कि भाई अभी यहाँ पे काम शायद नहीं कराना है, या उनका जो भी सोच थी, वो पाइप यहाँ से लेके गए आमर में जाके उधर काम करा के नहीं हो गया उनका। यानी हमको सिर्फ, हम लास्ट में इधर सोसाइटी में रहते, हम TMC सोसाइटी में रहते, लेकिन हमको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तकलीफ सिर्फ हम लोग को पंचायत दे रही है। ये बिल्डिंग बनी है ना, तब से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उधर पूरा ब्लॉक हो गया, तो वो पानी पूरा इधर ही आएगा ना, रिटर्न वो पानी पूरा इधर रिटर्न आ रहा है, और प्लस ये लोग भी ऊपर से कचरा डाल के पूरा पैक कर दिए। अभी आप लोग क्या मांगे? यही कि हमारा प्रॉब्लम था, पाइप ने गया था 7 महीना में संभाली, वैसे लेके गया 2-3 दिन पहले, इसको मान सो थे, इसको बोला तक नहीं तुम्हारा ओपनिंग तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है, पीछे हमें बोला कि ओपनिंग इधर करा नारियल वधेरा, और पीछे लेके गया, तो इसका मतलब क्या है?